गाइस, तो अभी मैं रात के ऑलमोस्ट 12 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने कल ही शूट किया था नहाने के जस्ट बाद। तो बिल्कुल मिनिमम मेकअप से मैंने ये लुक क्रिएट किया है वैलेंटाइन डे के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपना CTMP कर लिया था और इसके बाद मैंने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये कुमकुमादी ऑयल अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी विंटर सीज़न है और इसमें थोड़ा सा जो मेकअप है वो ग्लोई लगना चाहिए ना। अच्छा, इसके बाद मैंने फेसेस कनाडा का ये मैट फाउंडेशन यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये शेड मुझे काफ़ी पसंद है। ये मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है जो कि आपके स्किन पे अच्छे से कवरेज बिल्ड करता है। अगर आप 2-3 बार यूज़ करो तो और अच्छा कवरेज आएगा। मैंने इसको कलर बार के ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया है, क्योंकि मुझे ब्लेंडर से फाउंडेशन ब्लेंड करना सही लगता है। तो आप देख सकते हो ये इवन हो चुका है। इसके बाद मैंने बेलोरा पेरिस का ये कंसीलर लिया है। जो भी शेड वगैरह होंगे ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो इस कंसीलर को मैंने अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे लगाया है, जो कि सिर्फ मेरी आंखें हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ही डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है और मैं भर भर के कंसीलर लगा रही हूँ। आप चाहो तो कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है। और इसको अगेन मैं ब्लेंडर के जो फ्रंट साइज होती है ना, जो निकली हुई होती है थोड़ी सी कॉर्नर, उससे मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये माई ग्लैम का बनाना HD पाउडर लिया है और एक ब्रश लिया है, उससे मैंने अपने आँखों के आसपास इसको अप्लाई किया है, क्योंकि आँखों के वहाँ पे मेरे को स्वेटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप चाहो तो नहीं भी अप्लाई करो। इसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी का ये डुप पैलेट है, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया था, और ये पैलेट से मैं अपना आई शेडो ले रही हूँ। बहुत ही लाइट कलर के आई शेडो ले रही हूँ। कलर भी नहीं दिखाया आपको, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, लाइट ब्राउन या कॉफ़ी शेड आप बोल सकते हो, और इसे अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ और थोड़ा सा इसमें येलोइश ग्लिटर ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल कॉपर कलर का जो ग्लिटर होता है ना, वैसा मैंने शेड नहीं दिखा पाई हूँ यहाँ पे। तो अपनी उंगलियों से ही वो थोड़ा सा ग्लिटर शेड यहाँ पे लगा रही हूँ, ताकि जो मेरी आँखें हैं वो हल्की खूबसूरत दिखे। हालाँकि इस वैलेंटाइन डे मेकअप में जो लुक है मेरा, इसमें मैंने अपने लिप्स को फोकस किया है, आँखों को नहीं, तो आँखों पर मेकअप हल्का ही रहेगा। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने एक पतला सा ब्रश लिया है और सेम जो कलर है ना आई शेडो, मैंने अपने लोअर लैश लाइन के नीचे डिपॉजिट किया है और उसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना आंखें और सुंदर लगती हैं। इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने ये आईब्रो पेंसिल लिया है और इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। और आपको पता है मेरी आईब्रोज में थोड़ी सी कट मार्क है, तो मुझे आईब्रोज फिल करने में बहुत दिक्कत होती है, बट करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो आईलाइनर के ऑप्शन है, एक ब्लू लाइनर और एक ब्लैक। तो मैंने ब्लू लाइनर को चूज़ किया है, क्योंकि मुझे ब्लू लाइनर ग्रीन लाइनर बहुत पसंद है। तो इसे मैं बहुत ही आराम से हल्के हल्के लगा रही हूँ। देखो, आप ना अपना टाइम लेकर मेकअप किया करो, क्योंकि मेकअप एक आर्ट है और ये टाइम लेता है। आप सोचोगे ना कि सारे ब्यूटी ब्लॉगर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी में मेकअप कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा टाइम लगता है, तो आप भी टाइम लेना। इसके बाद मैंने ये काजल से अपने आईलिड को कवर किया है, क्योंकि इससे आंखें अच्छी दिखेगी। अगर आप और भी बड़ी आंखें दिखाना चाहते हो ना, तो लोअर लिड जो है ना, लोअर लैश लाइन, वहाँ पे वाइट काजल लगाओ और उसके नीचे ये ब्लैक काजल लगाओ, तो इससे आपकी आंखें और भी बड़ी बड़ी दिखेगी। पर मेरी आंखें थोड़ी सी मीडियम बड़ी है, तो है ही मीडियम या बड़ी, लेकिन हाँ है। तो मैंने अच्छे से काजल अप्लाई कर लिया, और आपने जो नीचे लोअर लैश लाइन के नीचे जो आपने आई शेडो लगाया था, वो आप अभी भी लगा सकते हो। अगेन, इससे ये अच्छे से स्मज फ्री भी, मतलब स्मज नहीं होगा। इसके बाद मैं अपने जो ग्लैम 21 के शेड नंबर 15 कॉफ़ी शेड से मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ, मतलब लिप लाइनर की तरह यूज़ कर रही हूँ। इसका जो कॉर्नर है थोड़ा सा मोटा, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का लिप क्रियॉन्स लिया है, हॉट रेडिस शेड का नाम है। आई थिंक ये अब मार्केट में मिलती भी नहीं है और ये बहुत पहले की लॉन्च है, तो ये मेरे पास थी। और ये लिपस्टिक का कलर बहुत ही अच्छा है, बट एक ही माइनस पॉइंट है ना इसकी, ये वाटरप्रूफ नहीं है। हालांकि जो ग्लैम 21 का मैंने लिप क्रियॉन यूज़ किया था, वो वाटरप्रूफ है और स्मज प्रूफ भी है सेट होने के बाद।
अच्छा, मैं ना हमेशा मस्कारा लगाना भूल जाती हूँ, तो मस्कारा जरूर लगाना क्योंकि आंखें इससे अधूरी लगती है। आप चाहो तो जो फॉल्सीज होते हैं वो भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाती ज़्यादा, एक दो बार ही लगाए हैं आज तक मैंने, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और हाँ, मैंने ना ब्लश लगाया था लेकिन ना वो शायद मैं सूट नहीं कर पाई, तो हल्का हल्का मैंने लिपस्टिक का ही ब्रश लगाया था जिससे मेरी गाल गुलाबी गुलाबी रेडिश गुलाबी रहे, तो हल्की हल्की लगाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पिंक रेड दिखना पसंद नहीं है ज़्यादा, मतलब मिनिमम मेकअप हो, एलिगेंट मेकअप हो, वही मुझे अच्छा लगता है, तो आप भी वैसा ही करना। इसके बाद हाइलाइटर आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ऐसे ही मेरा फेस देखो बिना हाइलाइटर के ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने अपना इयररिंग्स पहन लिया, ये पर्ल हुप्स इयररिंग्स है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। बालों को इग्नोर मारो क्योंकि बाल अभी गीले हैं और ये सूखे नहीं है, तो बालों को छोड़ो, चेहरे को देखो और मेकअप कैसा लगा है। बिल्कुल थोड़े से मेकअप प्रोडक्ट से आपको ये मेकअप मिल जाएगा, तो इस मेकअप को आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहना और कमेंट करना ना भूले।